एक्ट में संशोधन के विरोध में स्वर्ण समुदाय के लोगों द्वारा किए गए भारत बंद का भारी असर बिहार के भोजपुर जिले में भी देखने को मिला, जहां बंद के दौरान किसी भी तरह का हिंसा को टालने के लिए पुलिस प्रशासन पहले से ही अपनी कमर कस ली थी। लिहाजा जिले में कई जगहों पर पुलिस तैनात किए गए थे। वहीं प्रखंडों में स्वर्ण समुदाय के लोगों ने ट्रेन जाम कर सड़क जाम कर केंद्र सरकार के फैसले के खिलाफ नारेबाजी नाराजगी जताई, जमकर नारेबाजी करते हुए भी नजर आए। पूरे भारत में स्वर्णों द्वारा भारत बंद शांतिपूर्ण ढंग से किया गया। यह बंदी SC/ST एक्ट में संशोधन को लेकर किया गया था। राजनीतिक संगठनों द्वारा भारत बंद किया गया। इस भारत बंद का व्यापक असर भारत के सभी राज्यों के साथ साथ बिहार में मिला जुला असर देखने को मिला। स्वर्ण संगठन के कार्यकर्ता सुबह से ही प्रदेश के अलग अलग जिलों में सड़कों पर टायर जलाकर सड़क जाम कर प्रदर्शन करते रहे। साथ ही प्रदर्शनकारियों द्वारा रेल सेवाओं को भी बाधित कर दिया गया। वहीं सड़कों पर आगजनी कर आवागमन को बाधित कर दिया गया। इस बंदी को पुलिस प्रशासन द्वारा सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए थे। जगह जगह पुलिस कर्मियों की तैनाती की गई थी। भारत बंद को लेकर सभी निजी स्कूलों के बाद छुट्टी कर दी गई। जिला प्रशासन अलर्ट पर थे। पटना के बाद दानापुर, गया, सासाराम, कैमूर, आरा, बक्सर, नवादा, बेगूसराय, सहरसा, पूर्णिया, सभी जगह बंदी का असर देखने को मिला। एक्ट संशोधन को लेकर पूर्व निर्धारित भारत बंद का आह्वान किया, जो स्वर्णों के द्वारा किया गया था, आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे कि कितना ये सही है? देखिए, ये सही है या गलत है, इस चीज़ का फैसला करने का हमारी पूर्ण जिम्मेदारी है। और हम चूँकि सरकारी सेवा में है, इसलिए इसमें किसी भी तरह का कोई कमेंट करना मेरे लिए सर्वथा उचित नहीं। मगर मैं ये देख रहा हूँ कि पूरा शहर बुरी तरह से आवागमन से लेकर दैनिक जीवन में काफ़ी लोगों को दिक्कतें आ रही हैं। आप सर डॉक्टर हैं, आज मरीजों को आने में काफ़ी परेशानी है। ऐसी स्थिति में आज मरीज काफ़ी कम आ रहे हैं, तो इसके लिए भी लोग परेशान हैं? हाँ, बिल्कुल परेशान हैं। हमको स्वयं हॉस्पिटल आने में पैदल आना पड़ा, क्योंकि सारे रास्ते लोग बंद कर दिए गए। मगर इस सवाल का जवाब जो आप पूछ रहे हैं कि SC/ST एक्ट के संशोधन का हम समर्थन करते हैं या नहीं,